Hey guys, before starting this video, I want you to subscribe my channel and do hit that bell icon so you will never miss our videos. Hey guys, I share back with another video aur aaj ki is video mein main dene wala hu kuch jawab ki kya iPhone X abhi bhi 2 mein lena chahiye ya OnePlus 6 jaise device ke liye ruka jaye ya fir iPhone SE 2 kuch naya leke aane wala hai aur saath hi karunga iPhone X ki unboxing. So aap dekh sakte hain ye hai iPhone X 64GB variant mere paas. To chaliye iski unboxing start karte hain. So जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूं पर उसके साथ-साथ ही मैं आपको उसके कुछ रिलेटेड सवालों के जवाब भी दे दूंगा. सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको अनबॉक्स करते ही देखा इस पे लिखा हुआ है डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया जो कि हमेशा ही कोई एप्पल डिवाइस में दिखता है. साथ एक सिम इजेक्टर टूलकिट और मैंने डिवाइस को पहले ही अनबॉक्स कर लिया था और साथ चढ़ा दिया था एक फिल्म प्रोटेक्टर और आप इसे कह सकते हैं स्क्रीन प्रोटेक्टर मैंने इस पे चढ़ा दिया था क्योंकि यार इतना महंगा डिवाइस ले क्यों रिस्क ले. और इसके साथ मिल रहा था एक चीप सा चार्जर और ये रहा एक 3.5 mm अडैप्टर और साथ में चीप हेडफोन्स जो कि एक बहुत ही नॉर्मल से हेडफोन्स है एप्पल की तरफ से. इतना महंगा फ़ोन दे रहे हैं उसके बाद भी हेडफोन्स काफ़ी सस्ते से लगे. और ये रहा मेरा मेन डिवाइस जैसा आप देख सकते हैं एप्पल का लोगो पीछे ड्यूल कैमरा सेटअप ड्यूल LED फ्लैश और आगे की तरफ मिल रहा था आपको वर्ल्ड फेमस एप्पल का नॉच और बेहतरीन डिज़ाइन. तो कुछ भी कह लीजिए डिवाइस कितनी भी महंगी लगे या कुछ डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है और नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल्स मिल जाते हैं. तो चलिए जब तक मैं इस डिवाइस को थोड़ा चला के देखता हूँ मैं बताता हूँ आपको कि क्या आपको OnePlus 6 के लिए रुकना चाहिए या फिर iPhone SE 2 के लिए रुकना चाहिए या फिर iPhone X ले लेना चाहिए. तो गाइस देखिए सिंपल सी बात है अगर आप थोड़े से iPhone गीक हैं या फिर आप थोड़ा ज़्यादा खर्च सकते हैं तो आप iPhone X ले सकते हैं. ये अभी भी मार्केट में बेस्ट डिवाइसेज में से एक है. इसके बेंचमार्क अभी भी कोई टच नहीं कर पाया यहाँ तक कि इवन S9 Plus भी इसके बेंचमार्क स्कोर्स को नहीं ब्रेक कर पाए हैं. और बात करते हैं OnePlus 6 की तो ऑब्वियसली वो स्नैपड्रैगन 845 के साथ आएगा और अप्रैल में आने वाला है बट वो डिवाइस भी इसके लिए इतना पावरफुल नहीं होगा. पर अगर आप थोड़ा सा बजट में रह के डिवाइस लेना चाहते हैं तो OnePlus 6 एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है क्योंकि वो आपको पता ही OnePlus कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं हमेशा ही अच्छे स्मार्टफोन्स लेकर आती है और हमेशा ही बजट के अंदर आप बजट इन द सेंस अगर iPhone X से कंपेयर करें एक अच्छी डील देती है. इसके अंदर कैमरा भी अच्छा होता है और प्रोसेसर भी हमेशा टॉप नॉच रहता है. सो आप OnePlus 6 के लिए रुक सकते हैं. अगर आप आईफोन के ही फ़ैन हैं और थोड़ा सा बजट में रहना चाहते हैं तो iPhone SE 2 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा क्योंकि कुछ लीक्स ऐसे आए हैं मार्केट के अंदर जिससे बताया जा रहा है कि iPhone SE 2 में iPhone X जैसे ही नॉच वाला डिज़ाइन होगा और फुल व्यू डिस्प्ले टाइप होगा. सो अगर आप आईफोन के ही फ़ैन हैं तो iPhone SE 2 के लिए रुक सकते हैं नहीं तो iPhone X ले सकते हैं अगर आपके वो बजट में है. सो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप OnePlus 6 के लिए जाएँ क्योंकि वो बेस्ट डिवाइस होने वाला है क्योंकि उसमें अगर आप थोड़ा सा आप नॉच की तरफ थोड़ा ज़्यादा टिल्ट होते हैं कि आपको नॉच चाहिए ये डिज़ाइन चाहिए तो वो तो OnePlus 6 में आना ही आना है. सो गाइज ये था आज की वीडियो का रिव्यू आईफोन एक्स का और मैंने इसके अंदर आपको ये भी बता दिया कि OnePlus 6 के लिए आपको रुकना चाहिए नहीं क्योंकि OnePlus 6 जहाँ तक मेरे को लगता है अप्रैल में आ जाएगा. तो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और देखते रहें टेक टू एक्स. जय हिंद वंदे मातरम.